कूड़े के ढेर के पास जो कॉलोनी कटी हुई है, ये जो कॉलोनी है शिव शक्ति, यहाँ पे क्या रेट है? परसों देख के गया था, क्या रेट क्या चल रहा है? रेट तो बहुत ही यहाँ पे जो है 3 साल का समय और जो है 11:30 भी है। डरने की कोई बात तो नहीं है? कोई कार्रवाई तो नहीं होगी यहाँ पे? वहाँ पे कार्रवाई तो बहुत ही पास कराएंगे बाबू लोग तभी तो। अच्छा, पास नहीं है ये कॉलोनी? पास नहीं है, कहाँ पास करवाए हैं बाबू जी? कॉलोनी तुसी बना के बेचती बंदे नू, अरे की कसूर जी दा मकान टूट गया, इनू दस्या नहीं कॉलोनी पास नहीं हैगी? थोड़ा सा पैसा सा दे के कमा कमा के और मकान लिए, लोन करवाया बैंक से। बैंक से लोन भी हो गया? हाँ, लोन भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई। रजिस्ट्री भी होगी? एनओसी तो है नहीं। एनओसी नहीं तो कैसे रजिस्ट्री हो गई? फिर कैसे लोन? लोन कैसे मिल गया? वही लोन कैसे मिल गई? फिर पास से तोड़ कैसे गई? मैं तो था नहीं जब आया हूं, तो टूटा हुआ था। जब कॉलोनी कटती है तो क्या सरकार को पता नहीं रहता कि कॉलोनी कहाँ कट रही है और लीगल कट रही है कि अनलीगल कट रही है? यहाँ बिजली के खंभे लगा रहे हैं, बिजली विभाग सरकार की है कि प्राइवेट है? जो ये कॉलोनी काट के बेच देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई करवा सकते हैं पब्लिक लोग, किसके ऊपर कहाँ पे जाएं? डीलर पे चढ़ाई करो, डीलर ने गुमराह करके लिया तो डीलर के घर पे चढ़ो। अब सारे डीलर करेगा या डीलर देगा पैसा ना? सरकार तो अपने जगह सही है। क्या करा के दोगे? हैं, 4 बार तो तोड़ चुके हैं, क्या करा के दो? पहले कहाँ करा के दिया? पहले भी हमने खुद पैसा लगाया 1,00,000 रुपया, हैं 1.5 लाख फिर लगाया, कौन देगा ये पैसा? हैं, आपके बंदे कितने पैसा दे देंगे? पैसा लेके क्या करेंगे हम? अब ये 3 लाख ऊपर लगा वो कौन देगा? जब हमने आए थे लेने जमीन तो उसने बोला, क्या बोला कि भाई ये तो टूटा हुआ है, तो बोला कि पहले ये आई थी कॉर्पोरेशन, वो तोड़ के चला गया, अब ये कॉर्पोरेशन में आ गया, तो मैंने सोच के ले लिया। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं विशाल कपूर। एक कूड़े ढेर दे को कॉलोनी कटी हुई है, एनजीटी रिपोर्ट सी कूड़े ढेर दे कोल 100 मीटर दे 500 मीटर दे दायरे विच कोई भी कॉलोनी नहीं कट सकता, क्योंकि कैंसर जिहड़ा इस कॉलोनिया दे विच पानी दे नीचे हेठला पानी दे नीचे हो सकता वै। लेकिन कारपोरेशन वालों कार्रवाई की गई, कारपोरेशन वालों की कार्रवाई की गई आ तुहानू दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी जिहड़ी है बिल्डिंग तोड़ दी गई बिल्डिंग ब्रांच वालों, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई जिते बड़े सोहने तरीके लिखा हुआ सीगा सुल्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर, 24 महीने की आसान किस्तों के प्लाट खरीद दो 3600, 4000, 4500, 5000 के हिसाब के नाल इतने प्लाट खरीद सकते हो। प्लाट बड़े बखूबी मिलने, तुहानू अगर प्लाट लै भी लोगे ना तुसीं ये वर्गा सताओगे, आप बाई वर्गा सताओगे तुसीं, क्योंकि सीवर की प्रणाली तोड़ दी गई है, क्योंकि परमिशन नहीं सी, पानी कितने जा रहे थे कितने नहीं जा रहे थे कुछ नहीं पता। एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं तुहानू जिहड़ा मकान सीगा तोड़िया गया, किधर गया भाई? कॉर्पोरेशन दे विच आप चला, गरीब जिहा इंसान है जिन्हें मकान लिता, इधर खड़े यार, क्या नाम है? मोहम्मद इस्लामुद्दीन। मोहम्मद साहब कहाँ से आए हो? बिहार से। क्या सोच के आए थे? क्या सोच के आए थे, काम करने आए थे, थोड़ा थोड़ा जोर जोर के जमीन लिया, मकान थोड़ा सा पैसा वैसा दे के कमा कमा के और मकान लिए, लोन करवाया बैंक से। बैंक से लोन भी हो गया? हाँ, लोन भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई। रजिस्ट्री भी होगी? एनओसी तो है नहीं। एनओसी नहीं तो कैसे रजिस्ट्री हो गई? फिर कैसे लोन? लोन कैसे मिल गया? वही ना, लोन कैसे मिल गई? फिर जो पास से तोड़ कैसे गई? मैं तो था नहीं जब आया हूँ, तो टूटा हुआ था। कैसे बनाया, कैसे पाइप जोड़ी? मेहनत करके सिलाई करके। कितने रुपये गज के हिसाब से ली? मैंने 12,000 के गज के हिसाब से लिए। 12,000? हाँ, यहाँ पे तो लिखा है 5,000, 1,500, 4,500। नहीं, उनसे लिया। 12,000? हाँ। मालिक कौन है जिससे ली? जिससे मैं लिया वो मनोज है, मेन बाबू है। कहाँ पे रहते हैं? मनोज के दफ्तर है, यही है, मैंने घर पता है नहीं। घर नहीं पता? वो कहाँ है? दफ्तर है नहीं, दफ्तर भी बंद है, मनोज है नहीं, मनोज गाँव का। तुम्हारा परिवार तो थे यहीं पे, सब बिहार भेजते अकेले रह रहे थे यहाँ पे, अभी अकेले हुए। सारा तोड़ गए? सारा तोड़ गया। ये की है बेचारे गरीब जान कितने? सर जी, सारे बंदे बता रहे हैं, इसका जो मकान है ये कॉर्पोरेशन में आता था, और इधर जो गाड़ियां आज आई हैं वो गलाडा की थी। अब इस बेचारे ने तो बैंक से लोन भी लिया, कितने मजदूरी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से इसने बनाया, अब ये सारा तोड़ दिया, इसका क्या हल होना चाहिए? तो ये सब सरकार करके नुकसान, सरकार का क्या नुकसान है? अनप्रूव्ड कॉलोनी में बैठेंगी तो गलाडा कार्रवाई तो करेगी ना, तो ये जो डीलर हैं वो जिम्मेवार होगा फिर। तो आपको भी तो सोच के लेना चाहिए ना, कोई प्रूव्ड है कि नहीं प्रूव्ड है, डॉक्यूमेंट देखने चाहिए उसके, तभी लेने चाहिए। सर ये रोड तो पता है सर कि जब रोड नहीं होता तो पब्लिक आती नहीं है सर, ये कॉलोनी आपको एक सुनो आपको एक बात बता, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले आपको दिमाग दे रहा हूँ, आगे से फंसोगे नहीं। ये कॉलोनी वाले बताऊँ क्या करते हैं, पहले सबसे पहले सुंदर सी रोड
बनाएंगे, फिर लाइटें लगाएंगे, अपने अंदर सीवर डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे सीवर भी है, स्ट्रीट लाइटें भी हैं, पक्की गलियां भी है, फिर तो आप मुंगेरी लाल के सपनों में आओगे कि नहीं आओगे? सर जी, एक कॉलोनी में आओगे कि नहीं? आएंगे तो जरूर आओगे ना, तो क्या करोगे फिर, मकान लोगे? मकान तो नहीं लेंगे सर, लेकिन सबसे पहले कॉर्पोरेशन को सबसे पहले जब कॉलोनी बन रही थी सबसे पहले रोड पटना था, अगर रोड नहीं होता तो यहाँ पब्लिक आती नहीं। सुन लो, आधा एरिया गलाडा का, आधा एरिया कॉर्पोरेशन का है, कॉर्पोरेशन का अंदर आता सीवर, सीवर तोड़ दिया तो सर ये कॉर्पोरेशन वाला क्यों तोड़ दिया गया? कॉर्पोरेशन का हिस्सा वो, हाँ जी, हिस्सा गलाडा का। नहीं तो कॉर्पोरेशन चलान भी कर सकती है, चलान नहीं अपने पैसे डेमोलिशन करती है, डेमोलिशन करके करती है। जिम्मेवार कौन है जो कॉलोनी जो मान लो सर एक कॉलोनी काट देते हैं जो कॉलोनी मालिक है, तो जो मकान टूटता है इसका कौन जिम्मेवार होगा? ये ले सकते हैं कॉलोनाइजर जिन्हें गुमराह करके लिया इनसे, तो हम लोग अब उसके पास जाए जो कॉलोनी मालिक है। गुमराह करके किसने मकान दिया? कॉर्पोरेशन ने तो कहा नहीं ये कॉलोनी हमारी है। कॉर्पोरेशन ने नहीं कहा, लेकिन उनको 4 सालों से तक कटी हुई कॉलोनी है। कितनी बार कार्ब होगी? 4 बार कार्ब हो चुकी है यहाँ पे। इसे सब सर जी दो बार ही होगी ना, दो बार हुई है। सुन लो, दो बार क्यों होगी फिर? तो सर जी सबसे पहले जो है कि रोड सारा पटना चले, बिजली खंभे क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? तुम्हारी बात समझ नहीं, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आई, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं। आपकी बात समझ आ रही है, कहने का मतलब ये है कि जब कॉलोनी कटती है तो क्या सरकार को पता नहीं रहता कि कॉलोनी कहाँ कट रही है और लीगल कट रही है कि अनलीगल कट रही है? यहाँ बिजली के खंभे लगा रहे हैं, बिजली विभाग सरकार की है कि प्राइवेट है? अगर ये सरकार की है तो बिजली विभाग जब खंभे लगाने आया तो उसको पता नहीं कि ये लीगल कॉलोनी में हम खंभे लगा रहे हैं कि अनलीगल में लगा रहे हैं? आप पढ़े लिखे हो? हाँ जी। आप एक बताओ, ये बिजली महकमे का खंभा है? तक किसका है सर जी? सुनो पहले, देख किसका है? अब सुनो मेरी बात। हाँ जी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में जाना, वहाँ पे एक सुनहरी अक्षरों में बोर्ड लगा होगा। बोर्ड क्या लगा होगा? बिजली के खंभे, सीवर लाइन, पक्की सड़कें, सब कुछ मिलेगा। बोर्ड लगा होता है वहाँ पे, ये नहीं लिखा होता कि पुड्डा अप्रूव्ड। ये कॉलोनी वाले खंभे लगाते हैं। पुड्डा अप्रूव की बात छोड़िए, ये कॉलोनी वाले अगर बिजली का वो खंभा और बिजली का तार लोगों को मूर्ख बनाने का काम है यार, ले करके सरकार से ही लगा रहे हैं कि प्राइवेट में लगा रहे वाले के ऊपर पर्चा होना चाहिए इस हिसाब से? तो प्राइवेट में बात उन्हें विशाल जी जो कॉलोनी काट के बेच देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, अब ये कार्रवाई करवा सकते हैं। हम पब्लिक लोग किसके ऊपर कहाँ पे जाए, किस जगह जाए जो हमारी सुनवाई? बोला भाई, अब सुनो क्या कह रहे हो? डीलर पे चढ़ाई करो, डीलर ने गुमराह करके लिया तो डीलर के घर पे चढ़ो। अब सारे डीलर करेगा या डीलर देगा पैसा ना? सरकार तो अपने जगह सही है, डीलर तो अपनी जगह खराब है ना? आपने डीलर को खराब किया, सरकार ने थोड़ी लाल के सपने किसने दिखाए? वो डीलर ने कराया। किसने? सरकार ने बनाया है। डीलर इतना थोड़ी बन जाते हैं? डीलर इतना कैसे बन जाऊंगा मैं? 1 करोड़ रुपया खेत खरीदो, काटो आप। अब सुनो, अब डीलर तो आदमी बनाता है यार, सरकार थोड़ी बनाता है डीलर। अब ये सारे सुन लो, ये जमीन डीलर आप बन जाओ। ये जमीन जो है, जो होती है सरकार अपनी जगह तो सही है। जमीन मतलब गुमराह तो डीलर कर रहा है। ये जमीन जो है, हम आपको गलत समझा के बोले भैया यहाँ जमीन ले लो, आप ले लिए हमारे कहने पर, हम गलत है ना? सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये जमीन जो है, जो जमीन है ये किसान की है, क्योंकि यहाँ पर खेती होता था। पैसा मिल गया उसको, अब किस कहाँ से रहेगी? जब किसान को पैसा दे करके डीलर ने जब इस जमीन को काटा और जब यहाँ गलियां बनाई, सब कुछ किया, उस समय जो है यह सरकार सोई हुई थी, गलियां और पाइप। डीलर को क्यों इतना लगाने दिए? ये नहीं तोड़े मकान, मकान तोड़ा गया जिसकी लेंटर पाई वो नहीं तोड़े, जिसका लेंटर नहीं पाया। जब हमने आए थे लेने जमीन, तो उसने बोला कि, हम बोला कि भाई ये तो टूटा हुआ है, तो बोला कि पहले ये आए थे कॉर्पोरेशन, वो तोड़ के चला गया, अब ये कॉर्पोरेशन में आ गई। बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने सोच के ले लिया, बोला कि मैं किस्त पे लेना चाहता हूँ, कैसे दे रहे हो आप? मनोज जी से मैंने बात की थी, उसने बोला का नंबर है? मोबाइल नहीं है मेरे पास नंबर अभी है? नंबर देना मेरे को। उसने बोला कि ठीक है, नंबर है इनके पास, तो हम लिख के देना इसमें। तो बोला कि, हम बोले कैसे जमीन दे रहे हो आप? तो बोला उसने 12,000 की गाची दे रहा हूँ। तो मैं बोला कि सर कुछ कम कर लो, तो 11,500 को उसने लगा दी, हमने थोड़ा थोड़ा करके उसमें 4 लाख रुपया लगा दी मकान में, लिंटर तक पहुँचा दिए। और उसके बाद मैं सोचा कि सर मनोज भाई, उससे भी मटेरियल मैंने उधार ले रखा हूँ, मैं उसको पैसा अभी थोड़ा 50,000 रुपया दिया हूँ। मैं बोला पैसा हो रहा, मैं जमीन रजिस्ट्री करवा लेता हूँ। तो आया हूँ, जब से काम पे था मैं आया हूँ, तो देखा हूँ कि चले पूरा तोड़ गए। कॉलोनी का नाम क्या है? शिव शक्ति के लिए है। शिव शक्ति सर जी, रुको, मैं अभी तुम्हारे सामने बात करूंगा डीलर से, मकान लेना। एक रुको, एक बार रुक जाओ मनोज जी।
हाँ जी हाँ जी। मनोज जी मैं ना प्रवीण सिंगला गल कर रहा, मैं ना मकान लेना सीगा कूड़े ढेर दे कोल, किन्ने रुपए गज मिल जांदा? हाँ जी बाबू जी। मैंने कहा कूड़े के ढेर के पास जो कॉलोनी कटी हुई है, ये जो कॉलोनी है शिव शक्ति, यहाँ पे क्या रेट है? परसों देख के गया था, क्या रेट क्या चल रहा है? डरने की कोई बात तो नहीं है? कोई कार्रवाई तो नहीं होगी यहाँ पे? वहाँ पे कार्रवाई तो बाबू जी पास कराएंगे बाबू लोग तभी तो। अच्छा, पास नहीं है ये वाली, ये कॉलोनी पास नहीं है? कहाँ पास करवाए हैं बाबू जी, इसको पास नहीं करवाए। बाबू जी मैंने पैसा लगाना है तो मैं सोच रहा हूँ कहीं मकान लेके रख दूँ, प्लाट लेके रख दूँ 200 गज का, तो आप दे सकते हो, बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप बैठे हो ना, बाबू से कह दोगे? नहीं जी, बाबू से बात करा देंगे आपका। मैं मतलब बना सकता हूँ हाल? 200 गज का टूटेगा तो नहीं? अब बाबू से बात कराएंगे आपसे, बाबू क्या कहते हैं? नहीं आप मेरी बात सुनो, कॉन्फ्रेंस लगा लो बाबू से, 200 रुपया लगा, 200 गज लेना मैंने। बाबू से मिला देते हैं तो मतलब टूटेगा तो नहीं बाबू जी? अब वो तो बाबू आगे जो है क्या करेंगे, आगे पैसा पास कराएंगे, क्या करेंगे बाबू बताएंगे ना। मनोज जी मेरी गल सुनो, विशाल कपूर गल करदा पत्रकार, हुण फोन ना कटियो। कॉलोनी तुसीं तक बना के बेइज्जती बंदे नूं, अरे की कसूर जी दा मकान टुट गया? हां जी बो, हां जी सर। अरे मकान जा टुट गया, अरे की कसूर की सीगा? तुसीं इहनूं दस्सिया नहीं कि कॉलोनी पास नहीं हैगी? हुण मैनूं दस रहे कॉलोनी पास नहीं हैगी, इहनूं दस्सिया नहीं कॉलोनी पास नहीं हैगी? बाबू जी ये तो नहीं बताया कि पास नहीं। तो अभी आपकी जबान थी, रिकॉर्डिंग हो गई है, आपने कहा कॉलोनी पास नहीं, बाबू से पूछ के बताएंगे, तो इसको कैसे दे दिया गरीब को? पहले बाबू से पूछा। हां जी बाबू जी। तो आपने पहले इस गरीब को मकान देने से पहले बाबू को क्यों नहीं पूछा? बाबू बोले कि मतलब हमने ये जो है सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी है, पैसा कौन भरेगा इसका? एक काटियो मत फोन मनोज, कितने रुपए गज लिया मनोज से? 12,000। क्या कहा था मनोज ने? बोल, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब टूट गया, पैसा कौन भरेगा? ये भरेंगे, कौन दूसरा कौन भरेगा? क्या कार्रवाई कराओगे इनके ऊपर? पैसा देंगे नहीं तो कार्रवाई होगा। अब सुन लो, नहीं तो इसका मकान का पैसा दे दो जो तोड़ा गया है, जो इसका लोन करवाया उसका पैसा दो, गुमराह करके लोगों को मकान मत बेचो। ठीक है बाबू जी, ठीक है। वो बाबू से अब नहीं बेचा जाएगा, बाबू कहेंगे पास करा के दो जी। अब इसका अब कहाँ पे हो तुम, कहाँ पे हो मकान बेचने के बाद, कहाँ गैप हो गए हो? हाँ जी सर। कहाँ पे हो तुम अभी? मैं थोड़ा एम्स में आया, मेरे भाई का वो तो तबीयत खराब है दिल्ली। अच्छा, अभी आगे कल इनके पास बैठे थे, अभी यहाँ दिल्ली भी पहुँच गए अभी रात रात। हाँ जी हाँ जी सर। अभी कल तो आप इनके पास थे, ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली पहुँच गए? कल मैं अब अभी सुनो। हाँ जी सर। सुनो ये कह रहे हैं अभी यहीं पे थे, अभी दिल्ली कितनी फ्लाइट पे गए हो, कौन सी फ्लाइट पे गए हो दिल्ली? हाँ जी सर। अभी एक भाई साहब यहीं पे था? नहीं मैं कल 4 बजे का आया हूँ। अच्छा, चलो इनको कॉलोनी में मकान नहीं बेचना आपने, कोई भी ऐसा प्रूफ किए बिना। ठीक है सर। इसका पैसा भरने के आप जिम्मेदार हो, मालिक से दिलवाओगे पैसा? मालिक को अपना जो उसका नुकसान मालिक भरेंगे जी, उनको पैसे दिलवाए हैं, जो टूट बन हुई वो बनवाएंगे। ये पास नहीं है कॉलोनी? अब ये वो मालिक को पता, पास पहले वाली बात बता देना भाई, पास नहीं है, जो पहले बोला था वो धड़ल्ले से जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पास नहीं है, बता देना जान मेरी पास नहीं है, जैसे पहली रिकॉर्डिंग में बोल रहा था मैंने पलाड़ लेना था। ये तो बाऊ के ऊपर है ना बाऊ, अब थथलाने भी लग गया तू यार। आप लो बाऊ जी, मैं तो यही कह रहा हूं, थथला मत, चल कोई चक्कर नहीं, थथला मत, अब चुप होके बैठ जा। बाऊ ने ये कहा था कि माल हम लोग तो बेचवाते थे, जो भी डील बाऊ से कराते थे। ये बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल बना है, जगह इलीगल है, कहाँ की इलीगल है बताओ? हमने ये नहीं बोला था जी। हैं? ठीक है बाऊ, इसका जो है करा के देंगे सब कुछ। और क्या करा के दोगे? हैं, 4 बार तो तोड़ चुके हैं, क्या करा के दो? पहले कहाँ करा के दिया? पहले भी हमने खुद पैसा लगाया 1,00,000 रुपया, हैं 1.5 लाख फिर लगाया, कौन देगा ये पैसा? हैं, आपके बंदे के पैसा दे देंगे, पैसा लेके क्या करेंगे हम? अब ये 3 लाख ऊपर लगा वो कौन देगा? बाऊ से बुलाओ ना यहाँ पे, बाऊ आए, फोन पे क्या बात होती है? चलो 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 चलो, की कॉलोनी दे माले दा की नाम है? हेलो हेलो। हाँ जी भाजी, की हाल है? ठीक हो? ठीक है। कौन जी? भाजी धर्मपाल बोल रहा। धर्मपाल भाजी, आ नीले झंडे गुरुद्वारे वाली साइड तो। हाँ जी ठीक है भाजी।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਇੱਧਰਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਦੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੰਦਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਲੋਨੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਰਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੋ ਦੇਣ ਲੋ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।